नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे स्टॉक्स लेके आया हूँ जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये बेस्ट पेनी स्टॉक्स हैं जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं और आईटी कंपनीज भी, ये आईटी कंपनीज के लिए काम करती हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपको कंपनीज के बारे में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं आपको पहले स्टॉक का नाम बताता हूँ। तो मैं जिस पहले स्टॉक की बात कर रहा हूँ उस स्टॉक का नाम है एजल लिमिटेड। ये स्टॉक जो है आईटी सेक्टर का स्टॉक है और इस स्टॉक में बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप लाइन पर बने रहिए। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 9 करोड़ का है। एजल लिमिटेड जो है वो आईटी कंसल्टिंग सिस्टम का काम करती है, सिस्टम इंटीग्रेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करती है, आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस का काम करती है, जो अपने क्लाइंट्स को अच्छा प्रोवाइड सर्विस कराती है। ये कंपनी जो है यूएसए में अपना और इंडिया में अपना कारोबार चलाती है। इस कंपनी की अगर हम मार्केट कैप्चर की बात करें तो 9 करोड़ का मार्केट कैप्चर है। आज का इस टाइम करंट प्राइस चल रहा, हाई जो गया था 17 का था, बुक वैल्यू जो है 11 की है और फेस वैल्यू जो है 10 की है, और जो इसका आरओसी है वो नेगेटिव है इस टाइम पे। और इसका अगर हम लॉन्चिंग डेट देखें, जब ये लिस्टिंग हुई थी तब अप्रैल 2005 में ये 3 रुपये 51 पैसे का स्टॉक था। कंपनी जो है अपने बुक वैल्यू से 0.68 टाइम्स की ट्रेडिंग पर ट्रेड कर रही है। इसके पेयर कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इसके पेयर कंपैरिजन में वैकरंगी, डॉल एंड टेक, एलसीसी, इंफोटेक, एडवांस टेक, ये कंपनी जिसके कंपैरिजन में है जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसका पी रेशो तो वैकरंगी का 31 है, डॉल एंड टेक का 16.55 है, बाकी किसी का भी जो है वो नहीं। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 से सितंबर 2021 से जून तक इसकी जो सेल्स है वो 1.39 करोड़ की हुई है। और इसकी अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो इसकी जो सेल्स है, एक्सपेंसेस है, वो 1.42 करोड़ का है। अगर हम इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर से लेकर अभी तक माइनस नेगेटिव में गया है। अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी अभी नेगेटिव में जा रहा है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी जो सेल्स है वो मार्च 2000 से TTM तो 4.59 करोड़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 0 के बराबर है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है इसका वो 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, यानी कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट दिया है मार्च 2022 में। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो TTM जो है वो 29% का है। और अगर हम इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 29% का है वो भी। CAGR की बात करें तो कंपनी का जो CAGR है वो 171% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अभी। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो है अपना 2.99 करोड़ का, बोरिंग जो है कंपनी के पास वो 5.47 की है, और टोटल एसेट जो है वो 23 करोड़ का है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है सितंबर से लेकर जून 2022 तक वो 49 का है, और पब्लिक के पास जो है 50% की है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो जो कंपनी का हम आपको नेक्स्ट स्टॉक बता रहे हैं वो है कैप्रिकॉन सिस्टम लिमिटेड। ये भी आईटी सेक्टर कंपनी है और काफ़ी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3.55 करोड़ का। ये कंपनी जो है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अबाउट नेबल सर्विसेज एंड रिलेटिव एक्टिविटीज़। काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड कर सकते हो। और आपने देखा है 4.45% का इसका अपर सर्कट लगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 3 करोड़ का है। करंट प्राइस का 9.60 चल रहा, हाई गया था 12 पे, लो गया था 5.22 पे। स्टॉक पी जो है इसका 96 का है, बुक वैल्यू 9.38 है, डिविडेंड यील्ड 0% है, आरओसी जो है 2% का, आरओई 1.38 है, फेस वैल्यू 10 की है। ये कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती है, आप इसको भी अपने लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम इसकी चार्ट पैटर्न की बात करें, कंपनी 2005 में लिस्टिंग हुई थी 193 रुपीज़ पे और आज बिल्कुल ही डाउन चल रही है, बट अब ये
ऊपर चढ़ने को तैयार है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी जो है 1.0 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पे ट्रेडिंग कर रही है। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी के मुकाबले में टाटा एल्क्सी है, एम्फेसिस है, एल एंड टी टेक्नोलॉजी है, ओरेकल फिनसर्व है, परसिस्टेंट सिस्टम है, कोफोर्ज है, अफल इंडिया है। करंट प्राइस में देखा जाए तो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहे हैं वो काफ़ी हाई सिस्टम हो चुके हैं, तो आप इस कंपनी को ले सकते हैं। ये एनुअल टाइम पे अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। पी रेशियो की बात करें तो 90, 26, 38, 31, 96 सबका पी रेशियो ये चल रहा है, तो इसका काफ़ी। क्वार्टरली की बात करें तो कंपनी ने जो सेल्स जनरेट किया है जून 2022 तक वो 31 लाख का है, एक्सपेंसेस जो है वो 30 के हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख का है, ऑपरेटिंग ओपीएम जो है 3.23% का, नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, कंपनी जो सेल्स जनरेट की है वो 1.28 करोड़ की, एक्सपेंसेस जो है 1.23 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 लाख का है और नेट प्रॉफिट जो है वो 4 लाख का है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। टीटीएम जो प्रॉफिट ग्रोथ गया है वो 111% का है। सीएजीआर जो है 71% की है। लास्ट ईयर ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी दिया वो 1% का दिया है। बैलेंस शीट की बात करें, कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ का है। रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में है। बोरिंग्स जो है कंपनी के पास वो 0 है, तो ये डेट फ्री कंपनी है और टोटल एसेट जो है वो 4 करोड़ का है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें, कंपनी का जो शेयर होल्डर पैटर्न है वो सितंबर में 59.66 था, स्टेबल ही चल रही है जून 2022 तक। 1 साल होने को हो गया कंपनी के, प्रमोटर्स की होल्डिंग बराबर है, पब्लिक की भी 40.34, 1 साल से स्टेबल है। लास्ट कंपनी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है वामा इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी भी जो है आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है अभी 7.31 का प्राइस चल रहा है और कंपनी अभी 0.27% डाउन है। कंपनी जो है इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग डिजाइन डेवलपमेंट सर्विसेज, सिस्टम इंटीग्रेशन, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, इंजीनियरिंग बिल्डिंग एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करती है। कंपनी का जो मार्केट कैप्चर 38 करोड़ का है, करंट प्राइस का 7 का चल रहा है, हाई गया था 15 पे, लो गया था 6.99, बुक वैल्यू 4 की है, डिविडेंड यील्ड कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, आरओसी 4% का, आरओई 0.23%, फेस वैल्यू जो है 2 की है। कंपनी के अगर चार्ट की बात करें तो जब 2005 में लिस्टिंग हुई थी तब इसका प्राइस था 3.90 रुपये, और ये हाई गया था 35 के अराउंड। कंपनी जो अपना डेट जो है रिड्यूस कर रही है ताकि उसको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए। कंपनी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी जो हैं वो है अदानी एंटरप्राइजेज, रेडिंगटन, एडजिस लॉजिस्टिक, रेन इंडस्ट्रीज, एमएमटीसी, कार्टेटेक, पीटीसी इंडिया, इन सब का सीएमपी करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो अदानी एंटरप्राइज का 3,000 है, रेडिंगटन का 150, एडजिस लॉजिस्टिक का 294, रेन इंडस्ट्री 200, एमएमटीसी 44, कार्टेट 644, पीटीसी इंडिया 84। और पी रेशो की बात की जाए तो कंपनी का जो अडानी एंटरप्राइज का 375, रेडिंगटन का 8 है, लजिस्टिक्स का 26, रेन इंडस्ट्रीज का 6, पीटी इंडस्ट्रीज का 5 है। कंपनी ने जो अपना सेल्स जनरेट किया है वो जून 2022 में आप देख सकते हैं 1 करोड़ का है, एक्सपेंसेस जो है 1 करोड़ 20 लाख का है, ओपीएम जो है 14 करोड़ का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 0.21 का है, नेट प्रॉफिट जो है नेगेटिव है। प्रॉफिट लॉस की बात करें, कंपनी जो सेल्स जनरेट की है वो 15 करोड़ की, एक्सपेंसेस जो है वो 14 करोड़ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 99 लाख का है, नेट प्रॉफिट जो है माइनस में है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो मार्च 2022 में 10 करोड़ का है, रिजर्व जो है वो 10 करोड़ की है, बोरिंग जो है वो 7 करोड़ की है। इससे पता चलता है कि कंपनी जो है अपना डेब्ट कम कम कर रही है, और ये आप इसको स्टॉक फ्री या डेब्ट फ्री आप बोल सकते हो कंपनी है। टोटल एसेट कंपनी के पास 46 करोड़ का है।
शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें कंपनी का, जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो 42.94 स्टेबल रहा है सितंबर 2021 से जून 2022 तक। पब्लिक का जो है 57% रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निकलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।